तो जयललिता के स्वास्थ्य को लेकर लगातार लोगों में चिंता बनी हुई है, कैसी उनकी तबीयत है, ताजा हाल आपको चेन्नई से हम दिखाते हैं। हमारे संवाददाता आशीष पांडे इस वक्त मुख्यमंत्री जयललिता के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, क्या अभी वहां चल रहा है, स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की जानकारी सामने आ रही है, घर में कौन कौन लोग मौजूद हैं? मीनाक्षी, अगर मैं पोएस गार्डन जो जे जयललिता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का आवास है उसकी बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये एक नया बैरिकेडिंग है, यहाँ पर जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनके गाड़ियों को रोककर उनसे पूछा जा रहा है, उनके अंदर जाने का पर्पस, अंदर जाने का कारण उनसे पूछा जा रहा है। यहाँ से कुछ दूरी पर अंदर जे जयललिता जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनका आवास है। और अब हम ये भी दिखाना चाहेंगे, इस तरफ भी अगर हम पूरे रास्ते की बात करें तो चारों तरफ सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। यहाँ पर ऑफकोर्स जाहिर तौर पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हॉस्पिटल की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अपोलो हॉस्पिटल जहाँ ग्राहम्स रोड में, जहाँ पर मुख्यमंत्री अभी भर्ती हैं, कल उनके कार्डियक अरेस्ट के बाद जाहिर तौर पर वहाँ पर भी समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है, लोगों को मिलने वाले लोगों का तांता आ रहा है। वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। हमें इस बात की जानकारी मिली है कि अपोलो हॉस्पिटल देर शाम तक एक फ्रेश मेडिकल बुलेटिन लेकर आ सकता है। उस मेडिकल बुलेटिन में मुख्यमंत्री जे जयललिता, जिनको यहां पर तमिलनाडु में लोग प्यार से अम्मा बोलते हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी दी जाएगी। हॉस्पिटल की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी हो तो और जानकारी मिले। रोहिणी स्वामी हमारी संवाददाता अपोलो हॉस्पिटल के बाहर से हमारे साथ मौजूद है जहाँ जयललिता एडमिटेड है। रोहिणी, क्या अपडेट वहां से मिल रहा है अभी? जी, जिस तरह से लोगों का तांता यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे एडीएमके के जो सीनियर पॉलिटिशियन है वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। और अहम बात यह है कि जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है, इसका यही समाचार जो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्ट्री उनको भी बताया जा रहा है। अहम बात यह है कि उनकी ट्रीटमेंट और इलाज पूरी तरह से चल रही है। पहली बात हो रही थी कि एंजियोप्लास्टी उनके ऊपर होने वाली थी, वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनकी जो हालत है वो गंभीर है, उस गंभीर हालत में एंजियोप्लास्टी करना नामुमकिन था। अब हमें ये बताया जा रहा है कि इकोग्राम किया गया है, इसके साथ साथ अब जो उनकी पूरी वेंटिलेटर में जो वो अभी उनको मॉनिटर किया जा रहा है वो अहम इसलिए है क्योंकि वो उनकी जो दिल का दौरा पड़ा था करीब 5 बजे शाम को, 24 घंटे बहुत ही अहम होता है किसी को अगर वो हार्ट अटैक हुआ हो तो उसको नजर रखते हुए पूरी तरह से डॉक्टर्स यहाँ पे उनकी उनके ऊपर निगरानी रखे हैं। इसके साथ साथ जो यूके के डॉक्टर डॉक्टर रिचर्ड बील हैं, जो पहले भी 2 बार यहाँ पे आ चुके हैं उनके इलाज के लिए, वो भी उनके साथ कंसल्टेशन हो रही है और ये भी बताया जा रहा है वो कुछ ही घंटों में यहाँ पे आ सकते हैं। जी रोहिणी, आशीष आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं लेकिन फॉरन अपडेट्स के साथ लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।